हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह आपके साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप आश्रम पद्धति मेंस के फॉर्म को ऑफलाइन सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया होगा तो फॉर्म को फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन होगा, तो आप वहाँ से फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लें। उसके बाद उसमें अगर आपका कोई रिजर्वेशन है तो वो भी पेज का प्रिंट आउट निकालें, प्लस आपका जो एड्रेस स्लिप होगा, पेमेंट स्लिप हो गए, उन सबके आप जो है कि प्रिंट आउट रख लें। उसके बाद इन सबको ले आएंगे और सारे फॉर्म में जहाँ जहाँ सिग्नेचर करना होगा वहाँ वहाँ सिग्नेचर करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर लगाएंगे, अटैच करेंगे। उसके बाद पूरे फॉर्म के साथ उन्हें एक साथ कलेक्ट करके A4 इनवेलप जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इसमें रख कर और एड्रेस स्लिप को उस पर पेस्ट करके और इसको कोरियर कर देंगे। देखिए, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये फॉर्म है, ये जब आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया होगा तो आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये फॉर्म लेंगे और जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने को है वहाँ वहाँ सिग्नेचर करेंगे। आयोग के एग्ज़ाम में ये आश्रम पद्धति मेंस का एग्ज़ाम है, तो ये आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो आयोग का कोई भी फॉर्म होता है उसका ऑफलाइन फॉर्म भी सेंड करना होता है, ये बात जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसको हमें ऑफलाइन भी सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी एक स्पेशल क्राइटेरिया होती है कि आप इसमें कहीं भी सिग्नेचर अपना छोड़ेंगे नहीं, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ठीक है, साइन कर दिए इस पेज पर, यहाँ भी आपने साइन किया, लास्ट में इस पेज पर भी आपने सिग्नेचर किया अपना। यहाँ पर सेंटर च्वाइस नहीं था, सिर्फ एक ही सेंटर था लखनऊ, जो कि आपने फॉर्म में फिल किया होगा। फिर लास्ट पेज पर आएंगे तो उसमें आपको अटैचमेंट लगाने हैं, मीन्स कि कितने संलग्नक को आप ऐड कर रहे हैं। तो आप टोटल काउंट कर लीजिए, अगर आपका रिजर्वेशन वाला पेज होगा तो आपके संलग्नक बढ़ जाएंगे। मेरे पास रिजर्वेशन वाला नहीं था तो यहाँ टोटल आप काउंट करेंगे, जैसे यहाँ 17 लिखा है तो 17 लिख के उसको शब्दों में भी लिखेंगे और उसको डेट मेंशन कर देंगे। जैसे 4/4/2022 का डेट यहाँ मेंशन है, जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उसी दिन का डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे। और लास्ट वाले पेज पर आपको विथ डेट सिग्नेचर करना है, क्लियर। और सारे जैसे जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है वैसे वैसे आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आवेदन पत्र आपका पहला हो गया, मैंने कहा था फीस रिसिप्ट निकालिएगा, फीस रिसिप्ट को सेकेंड प्लेस पर रखेंगे। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रमाण पत्र, तो सबको सीक्वेंस वाइज लगाते जाएंगे, नंबरिंग करते जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड करते जाएंगे। देखिए, हर पर सेल्फ अटेस्टेड है। इस तरह से आप लास्ट तक जाएंगे फ्रेंड्स, और लास्ट में आकर के आपको अपना निवास प्रमाण पत्र का भी जो है कि लगाना होगा। और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है इस तरह से, और अब आप इस फॉर्म को इस तरह से A4 साइज इन्वेलप में डाल करके इसको पोस्ट कर देंगे। और जो मैंने बताया था एड्रेस स्लिप, तो इस तरह से ये एड्रेस स्लिप आपको मिला होगा, इसको यहाँ से कट करके इस पर पेस्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी। सो प्लीज़ आप लोग अपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें, देन जल्द से जल्द इसको स्पीड पोस्ट करें ऑफलाइन। थैंक यू।